नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का वीडियो दोस्तों उनके लिए बहुत ही खास होने लगा है जो इस 2024 में पल्सर N250 बाइक अपने लिए लेने की सोच रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो के थंबनेल देखे, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग चलने वाले हैं इस बिल्कुल न्यू बाइक 2024 मॉडल पल्सर N250। इस बाइक को लेकर सिंगल राइड में हाईवे में 80 से 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में माइलेज टेस्ट के लिए। और बताना चाहूंगा कि अभी इस बाइक के फ्यूल टैंक में काफी कम पेट्रोल है, तो जहां पेट्रोल खत्म होगा वहां पे हम इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालेंगे हाईवे में जाके। और आज के वीडियो के लिए मैं आया हूँ स्वास्तिक बजाज में, शोरूम के एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो चलिए, आपका समय बहुत ही कीमती है, तो चलिए सीधा चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। तो फाइनली दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में जितना ही पेट्रोल था लगता है खत्म हो चुका है। आपको दिखाने के लिए मैं इसमें 2 बार सेल्फ ले रहा हूँ। आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। आपने देखा दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हो चुका है। और पेट्रोल डालने से पहले आपको एक बार बाइक स्टार्ट करके दिखा रहा हूं। आप देख रहे हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। और अभी इस बाइक के ऑडोमीटर में रीडिंग है 5। और इसके ट्रिप को दिखा देता हूं। आप देख रहे हैं इसका ट्रिप ए भी 0.0 पे है और ट्रिप बी भी देखिए 0.0 पे है। और मैं करने वाला हूं आज इस बाइक का इस हाफ लीटर पेट्रोल में सिंगल राइड में हाईवे में 80-85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में माइलेज टेस्ट। और दूसरी बोतल को भी दिखा देता हूँ, ये भी देख लीजिए, इसमें करीब हाफ लीटर पेट्रोल है जिसे मैंने रखा है रिटर्न आने के लिए। माइलेज टेस्ट के बाद मैं आपको ये बोतल फिर से दिखाऊंगा। तो मैं बोतल को रखता हूँ यहाँ और अब हम इसमें माइलेज टेस्ट के लिए पेट्रोल डालते हैं। तो आपने देखा था पेट्रोल डालते वक्त थोड़ा सा पेट्रोल गिर गया, कोई बात नहीं। और अब मैं आपको एक बार बाइक दोस्तों स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है दोस्तों और अब ट्राई करते हैं सेल्फ लेके। तो आप सभी ने देखा दोस्तों बाइक स्टार्ट हो चुका है, तो चलिए चलते हैं सिंगल राइड में माइलेज टेस्ट पर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं माइलेज टेस्ट पर। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो फाइनली दोस्तों बाइक के फ्यूल टैंक में जो हमने हाफ लीटर पेट्रोल डाला था लगता है ख़त्म हो चुका है। और आपको दिखाने के लिए मैं इसमें 2 बार सेल्फ ले रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। और पिछली बार से मुझे आज इस बार इस बाइक में ज़्यादा अच्छा माइलेज मिला है 2024 वाले मॉडल में। तो अभी आप दोस्तों जैसे कि देख रहे हैं
ऑडोमीटर में रीडिंग है 24, जब हम निकले थे तब रीडिंग था 5, और इसके ट्रिप में रीडिंग है 18.2। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है ट्रिप ए का 41 किलोमीटर पर लीटर, और इसके ट्रिप बी भी देख लीजिए, इसमें रीडिंग है 18.2 और इसमें भी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी शो कर रहा है 41 किलोमीटर पर लीटर का। और ये रहा दोस्तों वो हाफ लीटर पेट्रोल जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में दिखाया था, और आप सभी देख रहे हैं इसमें पेट्रोल उतना ही है जितना पहले था। अब मैं इस पेट्रोल को डाल देता हूँ रिटर्न जाने के लिए। और अभी दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो मैं वापस आ चुका हूँ शोरूम स्वास्तिक बजाज में, और आज के माइलेज टेस्ट के दौरान आप सभी ने देखा बाहर दोस्तों बहुत गर्मी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस रिकॉर्ड को शोरूम में ही आके किया जाए। तो वीडियो में आपने देखा कि आज मैंने माइलेज टेस्ट किया है 2024 मॉडल पल्सर N250 इस बाइक का, सिंगल राइड में हाईवे में 80-85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में माइलेज टेस्ट, वो भी हाफ लीटर में। और माइलेज टेस्ट करते वक्त जब बाइक के फ्यूल टैंक में पेट्रोल खत्म हुआ तब आपने देखा इसके ट्रिप में रीडिंग था 18.2, मतलब कि ये बाइक सिंगल राइड में 85 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में 18.2 किलोमीटर चला। और अगर मैं इसे into 2 करता हूँ तो आज हमें इस बिल्कुल न्यू बाइक में 1 लीटर में माइलेज मिला 36.4 KMPL का, जो देखा जाए तो बिल्कुल न्यू बाइक के हिसाब से काफ़ी अच्छा माइलेज है, क्योंकि आप सभी ने देखा मैंने माइलेज टेस्ट हाफ लीटर में किया था। तो आज अगर मैं इस बाइक का माइलेज टेस्ट 1 लीटर में करता तो बहुत ही आराम से मुझे आज ही इस बाइक में 38 प्लस का माइलेज देखने को मिलता। और आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस बाइक को लेते तो इस बाइक के सेकंड थर्ड सर्विस के बाद इसी स्पीड में सिंगल राइड में आपको इस बाइक में बहुत ही आराम से 40 या 42 प्लस का माइलेज देखने को मिलेगा। और बताना चाहूंगा कि आज माइलेज टेस्ट के बाद आज मैंने इस बाइक को करीब 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक राइड किया, क्यों इसकी भी जानकारी देता हूँ। सबसे पहले तो जैसा कि आप जान रहे हैं इस बाइक का टायर का साइज पहले से वाइड हो चुका है, और मैं देखना चाह रहा था कि हाई स्पीड में आपको इस बाइक में किस तरह का रोड ग्रिप मिलता है। तो 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में जब मैं इस बाइक को राइड कर रहा था तो मैंने देखा कि जो रोड ग्रिप है इस बाइक में मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा था। साथ ही हाई स्पीड में ये बाइक आपके दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल में रहता है। और बात करें इस बाइक के हैंडल बार के वाइब्रेशन की, तो बताना चाहूंगा कि जैसे ही आप इस बाइक को 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ऊपर राइड करेंगे, मतलब 100, 105 या 110 जाएगा, तब आपको इस बाइक के हैंडल बार में हल्का सा वाइब्रेशन महसूस होगा। उससे नीचे इसमें आपको बिल्कुल भी वाइब्रेशन महसूस नहीं होगा। और आप इस बाइक को लेके अगर हाईवे में लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं या क्रूज करना चाहते हैं तो आप इस बाइक को बहुत ही आराम से 90 से 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में इस बाइक को लेके हाईवे में क्रूज भी कर सकते हैं। और बात करें दोस्तों इस बाइक के इंजन की, तो आपको बोलना चाहूंगा कि इस बाइक में जो आपको 250 सीसी का इंजन मिलता है, इस बाइक से आपको दोस्तों राइड करते समय बहुत ही जबरदस्त पिकअप मिलता है। साथ ही राइड करते समय आपको इस बाइक का इंजन बहुत ही रिफाइंड महसूस होगा। और एक चीज इस बाइक में जो बहुत ही बेहतर है, आप सभी जान रहे हैं कि इसमें आपको असिस्ट स्लीपर क्लच मिल जाता है, तो राइड करते वक्त आपको अगर ट्रैफिक में भी अगर आप इस बाइक को राइड करते हैं अपने सिटी में तो इस बाइक का आपको क्लच और जो गियर लीवर है आपको बहुत ही लाइट महसूस होगा। और बताना चाहूंगा कि इसका नेक्स्ट वीडियो आप इस बाइक का मेरा एक सिंगल राइड में सिटी माइलेज वीडियो देखने वाले हो, जिसमें मैं आपके साथ इस बाइक के बाकी के सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सस्पेंशन कैसा लग रहा था, सीट कैसा है, ब्रेक कैसा है, इस तरह की चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और आज के वीडियो में बस इतना ही, और आप सबसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप जमशेदपुर इसके आसपास से हैं और इस बाइक का टेस्ट राइड या फिर उसे परचेस करना चाहते हैं अच्छे ऑफर में, तो आप स्वास्तिक बजाज में आइए। शोरूम का एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। साथ ही मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल में कर दीजिएगा ताकि इसी तरह का और नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और इस बाइक का हमारे जमशेदपुर का ऑन रोड प्राइस आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। और बाइक के बारे में दोस्तों कोई और जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी पूछ सकते हैं।